वेलकम स्टूडेंट्स इन अ सीरीज ऑफ डेसिमल्स आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल नंबर्स तो यहाँ हम सबसे पहले दो डेसिमल नंबर्स लेते हैं 21.05 और 0.8 और इनका मल्टीप्लिकेशन करना है ये दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का रूल वही रहेगा पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हुए और बाद में हम डेसिमल प्लेसेस काउंट करके टोटल फिर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं नंबर्स जीरो पॉइंट एट और मल्टीप्लाई करना है लेकिन डेसिमल को अभी इग्नोर करना है मतलब आप ये मान के चलिए कि आप टू वन जीरो फाइव में सिर्फ एट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी तो एट फाइव सा फोर्टी तो जीरो लिखेंगे यहाँ पे फोर ऊपर कैरी में चला जाएगा एट जीरो जो जीरो होता है जीरो में फोर ऐड करेंगे तो फोर आएगा एट वन ज़ा एट एट टू जो सिक्सटीन हो गया तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया अब हम डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लेते हैं इस फर्स्ट नंबर 21.05 में है टू डेसिमल प्लेसेस और 0.8 में है वन डेसिमल प्लेस तो टोटल क्या हुआ डेसिमल प्लेसेस का टू प्लस वन थ्री तो आपके प्रोडक्ट में थ्री डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए इसका मतलब वन टू 3 हम यहां डेसिमल पॉइंट लगाएंगे आपका आंसर हो गया 16.840 इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं 89.65 को 6.8 से मल्टीप्लाई करना है दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं रूल वही रहेगा हम पहले नंबर लिखेंगे 89.65 एंड 6.8 दोनों को मल्टीप्लाई करना है लेकिन डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर करते हुए आप यह मान के चलिए कि आप 8965 में 6, एट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां हम पहले एट से करेंगे मल्टीप्लाई टू द रूल्टीप्लीकेशन एट किया, तो 52 का 2 लिखेंगे और ऊपर सेवन यहाँ लिखा और ऊपर सेवन एज कैरी एट एट सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर में सेवन ऐड किए तो सेवनटी वन अब हमें सिक्स से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे नंबर को और सिक्स क्योंकि टेंस प्लेस पे है 68 मान के चल रहे हैं हम इसे प्लेस पे है तो हम यहाँ प्लेस पे पहले क्रॉस लगा देंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे थर्टी नाइन नाइन यहाँ लिखा और थ्री एस कैरी सिक्स नाइन जो फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर में थ्री ऐड किया तो फिफ्टी सेवन सेवन यहाँ लिखा फाइव एस कैरी और सिक्स एट जा होता है फोर्टी एट फोर्टी एट में फाइव ऐड करते हैं तो फिफ्टी थ्री आता है इन दोनों को ऐड कर लेंगे जीरो आया टू प्लस जीरो टू नाइन प्लस सेवन होता है सिक्सटीन तो सिक्स लिखा वन ऊपर कैरी लग के ऐड हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका नाइन सेवन में थ्री ऐड किया तो टेन जीरो यहाँ लिखा वन फाइव में ऐड हो जाएगा सिक्स अब हम डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे इस फर्स्ट डेसिमल नंबर में है टू डेसिमल प्लेसेस और 6.8 में है वन डेसिमल प्लेस सो टोटल डेसिमल प्लेसेस हो गए थ्री यानी हम वन टू थ्री यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और आपका आंसर हो जाएगा 609.620 इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं 1.035 को 16.3 से मल्टीप्लाई करना है सेम रूल रहेगा मल्टीप्लाई करते हैं हमने ये नंबर लिखा 1.035 और नीचे लिखा 16.3 मल्टीप्लाई करते समय हम डेसिमल पॉइंट को पूरी तरह इग्नोर करेंगे हम पहले सिर्फ एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां हमें सबसे पहले थ्री से मल्टीप्लाई करना है थ्री फाइव जा 15 का 5 लिखेंगे ऊपर 1 कैरी 3 थ्री जा नाइन प्लस वन टेन होता है तो 0 यहां 1 कैरी 3 जीरो 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 में 1 ऐड किया तो 1 थ्री वन जा थ्री अब हम यहाँ एक क्रॉस लगाएंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 फाइव थर्टी का जीरो ऊपर थ्री सिक्स थ्री 18, एटीन में थ्री ऐड किया तो ट्वेंटी जीरो 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 में टू ऐड किया तो टू और सिक्स वन जो सिक्स अब हमें वन से मल्टीप्लाई करना है लेकिन उससे पहले हम वन प्लेस और टेंस प्लेस पे क्रॉस लगा देंगे क्योंकि ये हंड्रेड प्लेस का नंबर है अब हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन फाइव ज फाइव वन थ्री जो थ्री वन जीरो जीरो वन वन जा वन और इन सबको ऐड कर देंगे फाइव फाइव का फिर जीरो प्लस जीरो जीरो फाइव प्लस वन सिक्स होता है सिक्स में वन ऐड किया तो सेवन थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस थ्री एट और सिक्स प्लस जीरो सिक्स और वन तो आपका आंसर ये आया है लेकिन ये भी कंप्लीट आंसर नहीं है हमें इसमें डेसिमल पॉइंट लगाना है फर्स्ट डेसिमल नंबर में थ्री डेसिमल प्लेसेस हैं 16.3 में वन डेसिमल प्लेस है तो टोटल हो गए थ्री प्लस वन फोर तो हमारे प्रोडक्ट में फोर डेसिमल प्लेस होने चाहिए वन टू थ्री फोर यानी यहां आपका डेसिमल पॉइंट लगेगा तो आपका आंसर हुआ सिक्सटीन पॉइंट एट सेवन जीरो के क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हैल्टीप्लाई बाय जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट जीरो टू बहुत ही आसान है आप पहले देखिए 0.3 इसमें डेसिमल प्लेस है वन 0.4 में डेसिमल प्लेस है वन 0.02 में डेसिमल प्लेसेस है टू डेसिमल प्लेसेस अब इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा डेफिनेटली उसमें डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे टू प्लस वन प्लस वन फोर होंगे फोर डेसिमल प्लेसेस होंगे हमारे आंसर में पर वो आंसर है क्या और कैसे निकालना है बहुत ही आसान सा तरीका है जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई करने का रूल वही रहेगा हम पॉइंट्स को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करेंगे यानी हम ये मान लेंगे यहाँ पे है थ्री यहाँ पे है फोर और यहाँ है टू इसका मतलब हम थ्री फोर और टू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ट्वेंटी फोर अब इस ट्वेंटी फोर में हमें फोर डेसिमल प्लेसेस क्रिएट करने हैं क्योंकि ये तो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं और डेसिमल नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट में कितने आने चाहिए डेसीमल प्लेसेस हमने अभी काउंट किए फोर अब यहाँ तो सिर्फ टू डिजिट्स हैं यानी हम यहाँ दो जीरो बढ़ा देंगे अब कितने हो गए वन टू थ्री फोर तो आपका यहाँ पॉइंट आ गया 0.0024. हमेशा याद रखिए डेसिमल प्लेसेस बनाते टाइम आप जीरो इसी साइड लगाएंगे अगर आपने इस साइड लगा दिए तो उसकी वैल्यू 2400 हो जाएगी लेकिन अगर आपने इस साइड लगाई तो ये आपका 24 ही है 0024 24 के इक्वल होता है बस पॉइंट लगा दिया तो इसकी वैल्यू डेसिमल के अकॉर्डिंग बदल जाती है तो ये आपका आंसर आ गया 0.0024 इसी तरह एक और देखिए 0.1 पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर अब देखिए इस फर्स्ट जीरो पॉइंट वन में वन डेसीमल प्लेस है इसमें टू डेसीमल प्लेसेज हैं इसमें है थ्री इस और इसमें भी थ्री यानी आपके आंसर में टोटल डेसीमल प्लेसेस कितने होने चाहिए थ्री प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस टू एट एट प्लस वन नाइन नाइन डेसीमल प्लेसेज आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए इसके तो पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके यानी वन को टू थ्री और फोर से मल्टीप्लाई करना है वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फोर और इसका आंसर भी ट्वेंटी फोर होता है अब हमें लगाने हैं डेसिमल पॉइंट तो डेसिमल पॉइंट हम लगाएंगे नाइन डेसिमल प्लेसेस काउंट करके अब ये तो दो ही हुए तो बाकी के हम यहाँ पे जीरो लगाते जाएंगे तो ये अब हो गए तीन डेसिमल प्लेस बन जाएंगे फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो गए नाइन तो यहां लगा दीजिए एक डेसिमल पॉइंट और यहां एक जीरो तो आपका आंसर हो गया जीरो 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 टू फोर एक और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन लेकिन बहुत ही आसान इफ 59 नाइन मल्टीप्लाई बाय एट पॉइंट सेवन इक्वल टू फाइव 113.3 आपको यहाँ दिया हुआ है कि जब आप 59 को 8.7 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर आता है आपको अब बाकी क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं लेकिन विदाउट परफॉर्मिंग मल्टीप्लीकेशन आपको मल्टीप्लीकेशन करके नहीं दिखाना है डायरेक्ट निकालने हैं ओरली। तो ये तो बहुत ही आसान है और बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं तो यहां देखिए इस क्वेश्चन के डिजिट्स देखिए आप एक बार यहां भी फाइव नाइन है इधर भी फाइव नाइन है इधर एट सेवन है यहां भी एट सेवन है डिफरेंस है तो सिर्फ डेसिमल डेसिमल पॉइंट का तो यहाँ आंसर तो हमारा यही आएगा लेकिन डेसिमल प्लेसेस चेंज हो जाएंगे और डेसिमल प्लेसेस तो आपको काउंट करना आता है तो हम पहले यहां लिख लेते हैं फाइव वन थ्री थ्री डिजिट्स यही होंगे आंसर में डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लेते हैं कि हमारे आंसर में डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे तो वो कैसे काउंट करेंगे इस फर्स्ट नंबर में 5.9 में वन डेसिमल प्लेस है इसमें भी वन डेसिमल प्लेस है तो टोटल कितने हो गए वन प्लस वन टू यानी टू डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए आंसर में तो वन टू और यहां लग जाएगा आपका पॉइंट तो आपका आंसर हो गया 51.33 एक और क्वेश्चन देखते हैं 0.59 0.87 तो अब यहां पे आप टू डेसिमल प्लेस है इसमें इसमें भी टू डेसिमल प्लेस है यानी आपके आंसर में कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए फोर तो काउंट करें वन टू थ्री फोर यानी आपका आंसर तो हो गया जीरो पॉइंट फाइव वन थ्री थ्री इसी तरह एक और देख लेते हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट सेवन एक बार डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे और आंसर हमारा फाइव वन थ्री थ्री ही डिजिट्स होंगे लेकिन डेसिमल प्लेसेस चेंज हो जाएंगे अब कैसे यहाँ है थ्री डेसिमल प्लेस और इधर है फोर डेसिमल प्लेस थ्री प्लस फोर हो गया सेवन तो सेवन प्लेसेस काउंट करते हैं यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गए सेवन और यहाँ हम लगा देंगे पॉइंट और यहाँ एक जीरो तो so, आपका आंसर हो गया जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव वन थ्री थ्री एक वर्ड प्रॉब्लम तो जरूर करेंगे आलोक वेट्स 50.87 किलोग्राम हिज फादर इज 1.5 टाइम्स हैवियर देन हिम आलोक का वेट 50.87 किलोग्राम है और उसके फादर का वेट उसके वेट से 1.5 टाइम ज्यादा है तो आपको फादर का वेट निकालना है तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है आलोक का वेट दिया हुआ है 50.87 किलोग्राम फादर का वेट 50.87 में 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 1.5 टाइम्स है ना तो 50.87 में से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करना तो मैंने आपको सिखा दिया है डेसिमल नंबर्स का बहुत आसान है हमने लिखा यहाँ नंबर 50.87 और 1.5 और डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हुए पहले सिर्फ एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लिया फाइव सेवन सा थर्टी का फाइव ऊपर थ्री फाइव एट फोर्टी प्लस थ्री होता है फोर्टी थ्री तो थ्री यहाँ लिखा फोर कैरी फाइव जीरो जीरो प्लस मल्टीप्लाई करेंगे एड कर देंगे दोनों को फाइव सेवन प्लस थ्री टेन होता है तो जीरो यहाँ लिखा वन एट और फोर में जुड़ जाएगा एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन का थ्री ऊपर वन वन प्लस फाइव सिक्स होता है और फाइव प्लस टू सेवन होता है अब हम लगाएंगे डेसिमल पॉइंट कैसे लगाएंगे यहाँ पे है आपके टू डेसिमल प्लेसेस और 1.5 में है वन डेसिमल प्लेसेस तो टोटल डेसिमल प्लेसेस हो गए टू प्लस वन थ्री डेसिमल प्लेसेस यानी वन टू थ्री यहाँ लग जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट तो आपका आंसर क्या हो गया 76.305 किलोग्राम है उसके फादर का वेट सो माई डियर स्टूडेंट्स इफ You will face any problem in mathematics. What you need to do? You need to just do practice and you can solve any problem. Goodbye.